नमस्कार दोस्तों मैं आपका पत्रकार साथी कृष्ण कुमार ताज़ा खबर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे एक ऐसे विकास कार्य की जहां विकास कार्य होता नज़र नहीं आ रहा कुछ दूसरे ढंग से विकास कार्य हो रहा है और अभी हम मौजूद हैं पांडुगा सब डिवीजन में जल संसाधन विभाग की वही पांडुगा सब डिवीज़न जहाँ जो हमेशा विवादों में रहा इससे पहले भी यहाँ जितने निर्माण कार्य हुए हैं नहर लाइनिंग के उनमें बहुत सारे विवाद हुए हैं और एक बार फिर यहाँ पर यह विकास कार्य शुरू हुआ है नहर लाइनिंग का लेकिन जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ विकास कार्य हो रहा है बल्कि एक किस्म से पैसे की बर्बादी ऐसा बताया जा रहा है लोगों का मानना है कि ये पैसे की बर्बादी हो रही है और ऐसा जो यहाँ पर काम कर रहे हैं जो कंपनी के ठेकेदार उनके कर्मचारियों का भी मानना है कि सरकार यहाँ जबरन पैसे की बर्बादी कर रही है यहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं थी तो मैं कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि ये यहाँ पर नहर लाइनिंग का काम चल रहा है और ये यहाँ पर स्लीपर भी छाए जा रहे हैं और इनकी कहीं मजबूत पकड़ नहीं बनाई गई है ये ऐसे ही रख दिए गए हैं और इस तरह से ये स्लीपर के इनमें मुरम डाल दिया जाएगा और ये नहर लाइनिंग का काम हो जाएगा ये नहर लाइनिंग किसानों के लिए जीवनदायनी रेखा होती है क्योंकि यहाँ पर जितनी फसल लगती है इसी नहर से पानी उन किसानों को मिलता है और तब कहीं जा के उनके घर में अन्न दान पहुँच पाता है तो ये इस तरह की ये जो नहर बन रही है ये कितने दिन चलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन जो जानकार लोग हैं उनका मानना है कि इस तरह की नहरें ज़्यादा दिन टिकती नहीं हैं हालांकि जो ठेकेदार इसका निर्माण कर रहा है उसका कहना है कि ये निर्माण का दस साल की गारंटी उनकी है दस साल तक वो मेंटेन करेंगे मतलब ढाई करोड़ रुपए सरकार खर्चा करेगी तब ये जो है दस साल तक चलेगी और 10 साल के हिसाब से इसका निर्माण हो रहा है इससे ज़्यादा चले ऐसी ठेकेदार की भी मनसा नहीं लग रही है और सरकार की भी मनसा नहीं लग रही है इसलिए हम ये शब्द बोल रहे हैं कि शासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं रायपुर में बैठे जो एसी में बैठे अधिकारी हैं उनको इस मामले की जानकारी है कि यहाँ पर कैसा काम हो रहा है उन्होंने कल यहाँ पर आदेश भी दिया था जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं कि यहाँ पर काम को देखा जाए और उन्होंने काम को दुरुस्त करने के निर्देश ये ठेकेदार को दिए थे लेकिन ठेकेदार ने आज भी काम जाली करके रखा हुआ है काम वैसे ही चल रहा है आज भी और आप ये अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह है का यहाँ पर ये यह काम चल रहा है अधिकारियों से भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे अभी तो आप सिर्फ ये देख लीजिए ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह का काम है जो यहाँ पर चल रहा है ये का सब डिविजन का काम है जल संसाधन विभाग का और ढाई करोड़ की लागत से ये नहर लाइनिंग का काम यहाँ पर जारी है तो चलिए अधिकारियों से भी इस बारे में मिलते हैं इसका जब सी एन एस में कम्पैक्शन में जब मुरूम डालते हैं उसको हम कंपेक्ट करके पकड़ बना लेते हैं तो ये पत्थर पे रख रहा है स्लीपर तो इसकी तो पकड़ ऑलरेडी है हमारे आई से इसमें ऑलरेडी पकड़ है पत्थर पे स्लीपर रख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जरूरत नहीं थी यहाँ पर नहीं ये सब शासन का काम है उसे समझना चाहिए ज़रूरत है कि नहीं वैसे पत्थर नहीं कटता है ना नहर जब से बनी है वो कटी नहीं है यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए था लाइनिंग वैसे क्योंकि पहले ही स्टेज में जो इन लोग स्लीपर का, का काम किए हैं राख मटेरियल को हटाए बगैर स्लीपर को बैठा दिए हैं पूरा मिट्टी और राख जबकि उसको हटाना चाहिए था जिसकी शिकायत मैंने मुख्य अभियंता और सी को किया उस संबंध में सिटी और मुख्य अभियंता ने डायरेक्ट कल एस डी ओ पांडुको को भेज के सारे स्लीपर को हटाने का आदेश किए हैं और ठेकादार नहीं हट रहा है राक मटेरियल को हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं लगता कि ये पेटी कॉन्ट्रेक्टर का मनसा नहीं है कि ये काम अच्छा से करे